अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, ओपन योर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बुक पेज नंबर 17. ओके, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? मेंशन क्लास वर्क, मेंशन डे, मेंशन डे. ओके, टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट येस और नो फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस. कि ये जो 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनके लिए येस और नो राइट करें. अगर वो सेंटेंस करेक्ट है तो उसके आगे येस राइट करें, अगर वो रॉन्ग है तो उसके आगे नो राइट करें. फर्स्ट सेंटेंस रीड करें, मंकी थॉट ही वॉज द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. तो मंकी ये नहीं सोचता था ना, हिप्पो ये सोचता था कि वो दुनिया का सबसे मजबूत तरीन जानवर है. ठीक है, तो हम इसके आगे क्या राइट करेंगे? नो. ओके, सेकेंड देखें, मंकी प्लेड अ ट्रिक ऑन हिप्पो. हाँ, उसने प्ले की थी ना ट्रिक, उसने जो है वो दरख्त के सहारे रस्सी बांध दी थी और हिप्पो को लगा था कि वो जो है मंकी ने खुद पकड़ी हुई है और वो उसको खींच नहीं पा रहा. ठीक है, तो उसने प्ले ट्रिक प्ले की थी ना, तो इसके आगे क्या राइट करेंगे? येस. ओके, थर्ड वन इज़ हिप्पो लाइक टू सिट इन द पूल ऑल डे. येस, ये जो एनिमल होता है हिप्पो, दरियाई घोड़ा, ये जो है वो दरिया में इन जगहों पर रहना लाइक करते हैं. ठीक है, पानी में रहना. All the animals help monkey to pull the rope. ये सारे animals ने monkey की help की थी, rope को pull करने में नहीं की थी ना, वो खुद उसने दरख्त के साथ जाके बांध दी थी. ठीक है, तो no. आगे 5th देखें, while hippo pulled monkey eat bananas. तो ऐसा ही हुआ था ना कि वो pull कर रहा था rope को पूरा दिन और पूरी रात, और monkey जो है वो आराम से दरख्त पे चढ़ के जो है वो बनाना खाता रहा था. तो क्या करेंगे? येस. ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर टू थिंक अबाउट सो टू वर्ड्स इन द बॉक्स इन टू लिस्ट टू हैव बीन डन टू हेल्प यू. ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे ब्राउन, ग्रे, ह्यूज, फैट, क्लेवर, मूडी, ग्रम्पी, स्मॉल, थिन. आपने इन वर्ड्स को गौर से देखना है. वर्ड्स डैट डिस्क्राइब मंकी, जो वर्ड्स जो हैं वो मंकी के बारे में उनको इस कॉलम में राइट करना है, और वर्ड दैट डिस्क्राइब हिप्पो, और जो हिप्पो को डिस्क्राइब करेगी उसके बारे में उन वर्ड्स को इस लिस्ट में राइट करना है. ठीक है, फर्स्ट वन देखिए, जैसे लिखा हुआ है ब्राउन एंड ग्रे, तो ब्राउन मंकी जो है वो ब्राउन कलर का होता है और जो हिप्पो होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो उसको ग्रे में लिखा है और उसको ब्राउन लिखा है. ओके, नेक्स्ट देखिए ह्यूज, तो हिप्पो जो होता है वो ह्यूज होता है ना, बड़ा होता है, तो इस लिस्ट में ह्यूज लिख देंगे. नेक्स्ट है फैट, तो फैट जो है वो भी हिप्पो होता है, फैट का मतलब होता है मोटा. ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे राइट कर देंगे. नेक्स्ट देखें क्लेवर, CLEVER क्लेवर, तो मंकी क्लेवर था ना, चलाक था. ठीक है, तो इसको हम मंकी के कॉलम में राइट कर देंगे. नेक्स्ट देखें मूडी, MWDY मूडी, तो मूडी कौन था? आप पढ़ा था ना चैप्टर में, हिप्पो जो था वो मूडी था और बदमिजाज था, तो मूडी जो है वो हम इस लिस्ट में राइट कर लेंगे. नेक्स्ट देखें ग्रम्पी, ग्रम्पी कौन का मतलब क्या होता है? बदमिजाज. तो वो भी हमने पढ़ा था, जो हिप्पो था वो मूडी और ग्रम्पी था, इसको भी हम इधर राइट कर लेंगे. नेक्स्ट देखें स्माल, तो जो है मंकी है वो स्माल होता है ना, छोटा सा होता है एज कंपेयर टू हिप्पो. आगे देखें थिन, मंकी थिन भी मंकी होता है, पतला सा होता है. ठीक है, इतना ज़्यादा वो हेल्दी तो नहीं होता ना. ठीक है, तो इसको हम किधर रखेंगे? लिखेंगे मंकी की लिस्ट में. ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने बुक पे सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपीज़ पे राइट करना है. ठीक है, ये वाला आपका जो है वो क्लास वर्क है, अपनी अपनी कॉपीज़ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोगों ने राइट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.